अत्रि जी की पत्नी को बुलाया गया था सीता जी को उपदेश देने के लिए, ससुराल जा रहे सीता जी, तो अनुसैया को बुलाया कि अत्रि जी की पत्नी को कि ससुराल में कैसे रहना ये शिक्षा दे दो। पहले जे तो महाराज लोग लगिन लगाता था, ब्राह्मण लोग को कर्णो भाई मानती थी, वहां जीवन काटती थी। हाँ ब्राह्मण लोग थे नहीं सीधा मंत्र आता नहीं कहीं नहीं तो भाई ने रज का सुनते ही नहीं सामू की विवाह निकाल दो कि एक की थी तरह की सोड़ेगा तो उनका भी कूदी गई कहीं सोड़ती थी। गायत्री भगवान मंदिर को पकड़े के पी भी सुनती। क्रिया चरित्र जाने नहीं कोई, रामायण में लिखी दिए कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब तारण के अधिकारी। अरे भाई ने तो संसार बताया लेकिन तुलसीदास जी ने नाम कहां लिख दिया, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, नारी को नाम वहां लिखी दिया। बुद्धि छे भाई, बुद्धि बहुत छोटी थी क्योंकि सिनेमा देखी धनी बेरू घर आया तो भाई कह कि तुम देखो धनी बेरू अपन बना सिनेमा में कसा गाड़ा मात नाकिन गावे तो तुमसे एक दिन नहीं गीत गावता, अपन भी धनी बेरू है तो आदमी बेरो सीधर जेक मगर नहीं कहीं गावता हो तो नहीं गाव पड़ेगा। तू तेजा महाराज की गम्मत क्या आठ लोग गाँव सुनी आयो गावनो आवतो तो क्योंकि भैरू को बार दिन भी आदमी गावे। अरे मेरा से तो बाहर और माता मारी रे तो करोड़े सालों वो भाई क्या था कहीं कह रहे तुम्हारी माए बेचे सामने वहां गायो तो आ तो आदमी कह कि भाई ने भी गायो तेजे भाव चतु भी कहा तो भाई के तेजे महाराज की गम्मत को शोक ज्यादा रहे आदमी को बार दिनों का ही कहे। अरे मामा जी की खबर लाओ जो रे हीरा मारा रे रामचंद्र भगवान। मुंदी मुद्रिका जब ही पहनते थे जब शादी होती थी और ससुराल से मुद्रिका देते थे जब आदमी मुद्रिका पहनता ये पहचान है। अरे भाई की पहचान मंगलसूत्र की ना आदमी का पहचान कर भाई आवड़े की तो की पहचान ये कि वो कभी जातो है ना हक मान लू एक का बोलना कभी उभी जाए समझ लो कि आव नहीं भेल है या वाला फिकर मुक्ति एक दर चलत जाए वो कभी कहो नहीं तो सुनते समझा लू कि कोई आओ ऐसी पिंजरा बहता बहता गंगा यमुना सरस्वती नदियों में बहता बहता पाताल में पहुंच गया। सौ रखा हुआ था भीम का वो पिंजरो पाताल में चली गो तो वासुक राजा की दो लड़की थी एक का नाम अहलमती एक का नाम मछेंद्री दुई बहन ने समुद्र किनार पर नहाना इन तो जो नदी नर्मदा किनार पर है उनका तीरता हुआ है भाई ने भी तीरी था वो तो समुद्र किनार की रहने वाली थी तो मछेंद्री ब्याहर थी और अहलमती कुआरी कन्या थी। दुई बहन ने नहाया करीन पिंजरो चम चम मोती दर लगे था चमक तो आई रोज बड़ी बहन को देख तू भोलेनाथ की बहुत पूजा करे बहुत बिग पत्र चढ़ा हुए है आज किसी सौदागर की जहाज में से मोती ने वो डब्बो पड़ी को बहतो आई रोज पापड़ किनार पर आवा तू कहता अपन खैची ले आओ ने कहा मैं जेवर निकाल जाओ
पड़ी बीकी थी बहन समुद्र में पिंजरा खैची खैची ना, माया मरी ममता मरी मरमर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी और कह गए दास। माया कई बुरी लगे, एक एक कलशो पानी पी गए पर छोड़ियो नहीं पिंजरा, नड़े को घुरूर घुरूर वजाड़ा। हाँ छोड़ मरी आओ, नहीं नहीं छोड़ू नहीं छोड़ू, आज बोलिया कभी एक रुपये दे दिन कुल्फी वाला हो तो चौका सब दस रही जाए पचो आओ नहीं। महाराज जी पहले घोड़ी बैठी ना होता था कथा सत्यनारायण करने की, पहले घोड़ी ने महाराज बहुत आता है, घोड़ी कसी रहे पौन सौ का भीतर भीतर कल्या जानवर चेती सोटी ने संजाग ले आओ आन फी बटी मन जी भाई ते पाछला पाया था तो महाराज जी कथा कही थी पैसा ने किचाम धर ली आज देव बाबा ने पोटले बांधी खुर्जी में धर ली न पाया नाखी बटी जाए घोड़ी बदड़क बदड़क वो देव आदड़े उनकी थोड़ी हरती। धूम्रपान मृति विप्रम दाता रह नरकम ब्राह्मण ग्राम सुख। भागवत पाठी महाराज जो होता है धूम्रपान करने वाला नहीं होना और सात दिन भागवत पास होना सोनू चाहिए, पर हम महाराज सोता नहीं पास गांव रन चार छे को आरती हुई प्रसाद ले की मोटरसाइकिल बैठे वो घर जो है। और भाई यार महाराज नहीं जाने जो यहां सो भागवत का आसन सुनो क्यों छोड़े है? महाराज नहीं जानू चाहिए। और धूम्रपान करने वाला तंबाकू मदिरा पान करने वाला बीड़ी सिगरेट पीने वाला ब्राह्मण नहीं चाहिए। रति विप्रम रति अने कामी ब्राह्मण भी होना घर जानू चाहिए। यहां ब्रह्मचारी व्रत पालन करनी सात दिन तक तो महाराज जी तंबाकू खाई मुंडाम धरी भागवत पर तंबाकू जरा पड़ी एक आदमी की नजर पड़ी महाराज जी जरा तमाखू तुम्हारी भागवत फिर तो ब्राह्मण लोग बड़े रुचा हो पलटो मारियो। अरे भाई पड़ी गई तो कहीं वो महाराज ने को मुंडा में चेरी गंगा हो एक आदमी बैठेल तो बाप का फूल घरत था गंगा जी जवानी नहीं होकर घर को आटी रहा बोल रहा शक्कर मिले महाराज जी के दे दिले महाराज जी प्रसाद तो महाराज जी ने फक्त ही भाई कहां को अरे महाराज जी गंगा जी जाओ महाराज जी मां ढोकरा फूल दिए तो तुम्हारा मुंडा जी गंगा हो रही मां ढोकरो तरी हो तो जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणी भाई गणपति महाराज के दस दिन सेवा करना आकर आखिरी दिन पानी में डुबाई रुपयो सुपारी ले जानू नौकर ठंडी करी आनू डुबाई तो नहीं पार्वती माता गावा अंदर पार्वती माता बोला कि नहीं मार फोड़ा तुम नदी में डुबाई है तो सुपारी ठंडो करी आनू गणपति महाराज ये या हमारे यहां तो पांच साल से गणपति महाराज मंदिर में थे पूजा करें और पछ धर दे पैसा पैसों बचे ठंड कलर से बचे आखिर पार्वती को छोड़ो आए तुम नदी में डुबड़िया और नहीं माया को बुरो लगो ना पड़ा नदी में डुबड़िया महादेव पार्वती
पार्वती का ब्याह हुआ जब कौन गण को पूजा था, महादेव पार्वती भी आवे जब गणपति बाद पैदा तो केकी पूजा करी, गणपति रूपियो ने सुपारी वो की पूजा हुई थी। आज भी आव करण खड़ माटी ले जाए ओके पूजा हो, ले जाए कुसलो धर ले जाए वो की सुपारी की पूजा हो, मंगल पूजा गणपति महाराज आए। नाथ माता चौक में मूर्ति थे नवरात्रि कितना साल की, ठंडी थोड़ी करो, विशाल मूर्ति राय थी। आज शक्ति पर ब्रह्म स्वरूपणी जय दुर्गे दुर्गति विदारिणी मात भवानी सिंह सवार सकल वरदान बाजे क्रिकेट घूमता था तथे तथे छूम छूम बाजे छन न न न न बहुत साल से बजा रहा था अपना तरक्की करो अच्छे बढ़िया बजे अच्छा बोलो दुर्गा मैया की नर्मदा मैया की। यमुना जी में एक सप्ताह नहाओगे तो पुण्य मिलेगा और सरस्वती में तीन बार, एक बार स्नान करने से पुण्य नहीं मिलता, यमुना जी में एक बार से नहीं मिलता है, एक सप्ताह सात बार स्नान करो और नर्मदा माता को दूर से दर्शन करो कोई अपने स्नान को पुण्य मिले, एवं महत्व है नर्मदा जी। पर अपन कई लोग पहचानता नहीं पर्व को, नदी में होकर नदी का नर्मदा हो, हाँ होकर नदी का नर्मदा का नदी है, अरे पर्व आए तुम भागशाली लोग थे जो किनार पर बस जाए पहचानता है। उन्द्रानंद पंचायती करी मांझरी को हम फेंकी आओ सब अपने वंश खत्म कर दी उन्द्रा का यार ये तुमने आज पंचायती ऐसे निकाले यार, एक उन्द्रो का पाए पकड़ू, एक कहीं कान पकड़ू, एक कहीं पूछ पकड़ू, ये कुंदरों का सब जग पकड़ो पर होगा कौन पकड़ो म्याऊ कुंदरा का वानी जावा यार, वानी जावा तो कुआम पड़ा भी नहीं अच्छी पंचायती करते कहीं मांझरी आई म्याऊ करें जब भाग्या तो दो कुंदरा का मुंडा पास आए तो मुंडा भरी मांझरी चू चू रोड़ती ले जाए रे धर्म का कह ऐसी पंचायती मत करो रे, आज की पंचायती में दुईबू गया ये जब पंचायती में ले हर पंचायती में जाए तो नहीं खाली होगा मांझरी ने को की डर कमाने निकल मांझरी ने को की देखो आप तुम डरो मत हम चारे धाम जाइए ऋषिकेश बद्रीनारायण पशुपतिनाथ और गंगोत्री जमोत्री भी जल रामेश्वर को चढ़े आप थोड़ी तुम्हारा नाव लो भले तुम फिरिया करो नहीं उंदरा का यार कसो का नहीं नहीं निकला यार ये चारे धाम जाए तो भी निकला वो म्याओ का जैसा मत जान निकल नहीं निकला नहीं निकला तो मांझी जी को लाओ दियो धर लो उजाला मत फिरो फिर तुम का पकड़ोगे भाग जाओ तुम तो मांझी ने दियो धर ली उजाड़ो तो आसपास सब उजाड़ो पर दिया के नीचे धरो उंदरा निकले ना फिरता जाए देखता जाए मांझरी का तो इंधारा में जो कहीं को आवे नहीं उंदरों से वहां की वहां चुपचाप पकड़ ले उंदरा कहे हाँ नहीं पकड़ती यार सही में रामेश्वर का जल चढ़े है एक उंदरों का पहले गिनती लगा कितना आया था पर यार अपन 13 जो आए थे 9 चे बहुत पकड़ी मकोर दे तुम नेताजी बने जो हम तुमको मांझरी से बची दो मकोर देव नहीं विधायक बने जो
तब उंदरानों को वोट दें जिताड़ दियो। हाँ भाई तुम हमारे विधायक जी आए जी, हाँ था मांझी से बचा, तू कह के हूँ विधायक अगलो का ही करूँ, तुम कब साथ जुड़ पड़े। हाँ था हमारे से कहीं साथ मांगे, सब तीखा कहीं कह जाओ काटा जा माथा ने मान लिया तुम, तो मांझी जी तुमको पकड़े गड़ा गच जाओ नहीं ले। उंदरा कह असो नेताजी बनो छे क्या राय दिया, मांझी से बचे दिया यार, काटा बांधी दिया माथा का और फिर कहीं मांझी म्याव कर जब भाग्या तो धर्म घुसने लग गया, तू काटा अड़ी गए बाहर समय आएगा। तो समझ के नहीं बैठे यार, मारा गांव का नेता अच्छा तो कहीं काम अच्छो कहीं करी रहा तो फिर लोग कहीं गए, अरे अभी अभी नया बनाया जाओ। गांव का लोग कहने लगे नेता अभी हमारा कच्चा थे, हमारा गांव का नेता विधायक साहब का सरपंच साहब का गांव पैसा होगा, गांव का पैसा है कहीं सरकार का पैसा था, अपन नयो काम कहीं खड़ो कर जाओ तो गांव में 80 रुपया वो का दे दिया होगा, गांव में से पैसा वो काया बोला पैसा ने मन का ही करो बोला पैसा न से घर का खेत नींद आ जा खेती डाल दिया रुपया रहो गांव के जगह गांव की सेरी गली गोया मो भरल पानी का गड्ढा थे मारा गांव का नेता कंट्रोल में शक्कर जो आई बराबर आने की बन गई भाई तेरा तेरा ले जा भगवान की। आयो समय परमात्मा कृपाओं को पिंजरा का खैचीन लाइन देखा न मोती ऊपर पिंजरा का लगाया था भाई तालो लगे थे कुछी भी साथ मंदिर थी, जब बाहर इतना मोती थे तो भीतर और का कितना जेवर धरे थे, और भीतर तो भीम की लाश धरे थी तालो लगे कुछी भी बहन ताओ खोल इकट्ठो कर लिया फिर बंटवारो करा तू बहन ने बड़ी बहन कह की मछेंद्री कह की देख थारो का ही मन छे तू छोटी छे तू जो कह दे वो सुनी लेंगे, बड़ी बहन कह की देख बाहर का मोती हूँ ले जाऊ आने पिंजर तालो लगे थे भीतर को तू ले जाए, क्योंकि वो को नियम तो आयल मती को कि पहली बार जिस पुरुष का मैं मुंह देखूंगी वही मेरा पति होगा। अनोखा में लाश धरल थी भीम दादा की, तो बड़ी बहन समझदार थी मोती निकाल लिया सब आज पोटले बांधी ने वो बीच बहन खोल नहीं हम अभी कहीं खोलू डरी गई कभी भीतर ज्यादा न निकल गए भेज के जेवन फिर वाटा पड़ल भाई बहन की लड़ाई बड़ी खतरनाक हो है। हाँ नहीं 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 बाप हफ्ते तो कुआरी थे तारो पति से नहीं जाए तू मार जा ते पोटले लेन जाती रही बड़ी बहन आने को भी मन माने नहीं आहेल मटी कुछ ही लगे तारो खोली खिड़की की तरक देखा तो सामने निंदारा सा बैठा रहे चेहरा का देखो कि एकदम रड़न लग गई कि मरवा मारी प्रतिज्ञा थी कि जिस पुरुष का मैं मुख देखूंगी वही मेरा पति होगा, बताओ देखिए ये तुम्हारे पति हुई थी बठीर खो मन भरी ने रड़ी ली पहले
गोपाल कृष्ण भगवान की नर्मदा मैया भाई राघो राम जी का देखिए वो खूब रड़ी ली कि पति से बढ़कर के कोई तीर्थ स्थान नहीं, मिथ्या तीर्थ व्रत करे जो कोई उस जैसे नादान नहीं। पति से बड़ी कहीं को तीर्थ नहीं है, जब पति नहीं है तो जीवन से काय फायदा। लाश का देखीन देखीन बड़ी बीड़ी खोज की छे तो बलवान पर मरेल देखा तो बलवान आदमी खैचे तो कहीं निकल बिजरा मत नहीं निकल। फिर रेडी रेडी त्रास हुई है, एक एक लकड़ी इकट्ठी करी कि पति के साथ मत सती वही जानो। उत्तम के आसमन माही और आन पुरुष सपने जगनाई। उत्तम स्त्री के लिए पराय पुरुष सपने में भी नहीं है। सीता जी को उपदेश दिया था अनुसैया ने, ऐसे थे कैसे ससुराल में रहेगी। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक धर्म है सीता पति व्रत, कोई धर्म करने की जरूरत नहीं। पति वंचक पर पति रति करही, रो रो नरक कल्प सत परे। की संख्या नहीं लिखे नहीं कि कितना साल कितना समय तक नरक वास करो। एक ढाकड़ी ने कुल्लो ने कुतरा भगवान पास गया। भगवान को कि ढाकड़ी को तू कले आई महाराज जी मारो न्याय कर दे। लोग आशा क्यों कहे कि ढाकड़ी पानी ले डूबी मत। तो महाराज कह तो मावा लू डूबियो कसो। अरे ये तो निमाड़ की बोली है, काटा भाटा अन्न जल तुप तोर की दा, फिर निमाड़ की बोली बड़ी आग जली। तो कुछ सोचने लगे नहीं जा। फिर कुछ महाराज जी मारो न्याय करो क्यों तू का करो। लोग आशा क्यों कहे कि कुलड़िया में गुड़ क्यों फोड़े। तुम्हारा हम गुड़ की खोड़ी कसी दे रही हो अन फोड़े कसो। अरे अभी निमाड़ की बोली है। फिर कुतरन को भगवान को भाई कुतरन तुम कह जाए महाराज जी हमारा न्याय तो अभी देव पड़ो। कहीं भी बात हो तो लोग ऐसा क्यों कह कि कुतरान खीर खाएगा। हमको कहना दिन जी ने हम नहीं कहेगा कि खाते। तो निमाड़ की बोली जैसी एक जगह बच्चा पिचकारी लगाने लाया तो वो धावे नहीं तो भाइयों का घरवा कहे तुम सोयाज कहे ये धावतो नहीं जेकी सच एक पंगत हो भटक गया नहीं अंदाज हो जाए को कहे। आज बोलत अपना पल्ला थोड़ी पड़ा सही बोले तुम ध्यान से सुन जो बजी मान ले जाए कर जी यहां को भूलगांव कुतरो आई जाए तो यो जो छोटे बच्चों को छोड़े आओ कहीं टिफन खाट खेत ले जाए को पर अवलन दिए आन फिर वो आवत तो को पूछे जू कुतरो को बोले तुका 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 हसो कर तू कहा गए। आस पास आस पास रो मत लड़े करे यार। लकड़ी इकट्ठी करी चिता बनाई पिंजरा के आसपास सब सड़ रचियो गायत्रो अन फिर सौ पर बैठी ना हाथ से हाथ असर उगड़ो दियो तो कपूर को ढेर कर दियो। सती नारी थी, सती नारी जो रनी पतिव्रता वो कहीं भी उपत्ति आओ तो कही दे आदमी कि मगर आज का असो सपना आएगा ऐसी बात नहीं बते दे तो समझी जाए कि बात सही थी। क्योंकि मुद्रिका भगवान केवट को देने के लिए सीता जी ने अंगूठी निकाल करके दे दी दे दो केवट को
मन की बात का जानी गई कि राम जी के पास में कुछ नहीं, लेकिन ये मुद्रिका है, दे दो केवट को। केवट की ओर हाथ बढ़ाया राम जी ने, केवट चरणों में गिर गया। एक पैसा भी मैं लूंगा नहीं उतराई का, रिश्ता है मेरा तुम्हारा भाई भाई। हे भगवान, मैं व्यवसायी हूँ, तुम व्यवसायी नहीं हो। मैं गंगा से पार करता हूँ, आप भव सागर से पार करते हैं, दोनों का एक ही काम है। नाई नाई से कभी लेता नहीं कटवाई, धोबी धोबी से कभी लेता नहीं धुलवाई। नाईगढ़ मिजवान आओ, दादी बनाओ के पैसा ले, नहीं ले, बड़े ले दादी। दीना ना तारज मेरी सुन लेना, तो हे दीना ना तारज मेरी सुन लेना, तुम्हारे घाट पे आऊं तो पार कर देना। मैं गंगा से पार कर रहा हूँ, आप भव सागर से पार कर देना। एक पैसा भी नहीं मेरा तुम्हारा भाई भाई। रामचंद्र भगवान की। कपूर का ढेर कर दिया कि पति नहीं तो मैं जीवित नहीं रहूंगी। तो समय देखो साहब, आकाशवाणी हुई। सुहागन नारी के लिए गजरा पहनने के लिए है। क्या हमारी बहनें गजरा लगाती है बालों में? तो एक गजरा एक ऐसा होता है जो घर आंगन में खुशबू देता है, और एक गजरा ऐसा है जो पियर ससुराल में पर समाज में खुशबू देता है। पहनो पहनो रे सुहागन ज्ञान गजरा, कहेगी बहन ने दे तू परमो द्वारा बटा ले, अरे गजरों लगे। बड़ी गजरा खुशबू का ज्ञान का गजरा लगाओ। लोग कहे की छोरी आया, फलाना गाँव के भाई की छोरी आया, ये खुशबू परदेश तक बाहर तक। ज्ञान गजरा सुहागन ज्ञान गजरा, पहलो पहलो रे सुहागन ज्ञान गजरा। ज्ञान का गजरा लगाया भैया, और साड़ी कौन सी पहननी?
दया धरन की और रिच नरिया दया धरन की दया धरन की सारी होना आओ भाई भूख्या रोटी प्यासा पानी वाणी में अमृत आई जाए खेत में से बैठो आप भी आई जाए सारी फिर दया धर्म की आन दया धर्म नहीं है कभी 1000 की साड़ी पहले तो की कहीं नहीं कीमत है लोग कहीं देखेंगे ऐसी साड़ी पहन बस अगर कहीं बोलते नहीं आओ तो कहीं कहीं तो भी बोलते मिजवान जैसे ऐसी बोलते पर नहीं वाणी में अमृत हो नैनों में लगाओ कजरा आग में कजरों कहां को लगाओ आंखों में प्रेम का लगाओ कजरा पहनो पहनो रे सुहागन ज्ञान गजरा ये तो आदमी खड़ाम काम करी ना दोस्त भाई आयो राम 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 भाई आओ आओ भाई आ तुम भाई बहुत दिन का है मां दोस्त भाई को मिलिया है तो जाओ भाभी छे घर जा हम अभी आओ पाला वाला समती करी ते घर गए तो भाभी तो खतरनाक थी अरे बाप रे आओ भाई जी आए भाई जी आए आओ आओ भाई जी आए है मीठी चट बोलो पद्मणी न तुरुक चाह चलो बोलो संकणी अन भोबो भूकट डमकणी वो आदमी लाकड़ी उठाओ दासी कका जैसे 15 घर सुना है अन मीठी बोलो पद्मणी हाँ भाई क्या हरका जी तुमको घर ने मकान भाई न रोटो 9 बजे रात कर दिए झाड़ माथा हाँ भाई जी आया दिन हाँ भाभी मग बहुत दिन है गाँव न कर भाई खराम से घर आई रहा हूँ भाई जी अब काई बताओ तुम रात का तो हमारा भी बीती क्यों काई हो रात का चोर आया नहीं तो चूल्हा को उठने लेगा अरे थारी पद्मी की चूल्हा को उठन लेगा अब वगत बिचारा कोई बड़ो बिचारा है कि यार के रकम भाव से चूल्हो लेगा उठे हाँ भाई जी अब हम झगड़ा वगड़ा लाऊंगा इतने चूल्हो बनाऊ जब रोटी तो कहते बात को बड़ो बुरो लगे तो उठो बट भाभी हम भाई का मिली हम गए पछो खराब राम राम क्या भाई पछो आएगो अरे यार भाई थाई घर वाला ऐसे कह रात का चोर आया तो चूल्हो उठन लेगा ये कहवा था यार आदमी समझियो कि भाई मारे यहां बड़ी कठिन से सियाड़ावा नहीं रोटा खवाड़ा नहीं खाए वो जानते तो यहां बैठ खड़ा हो भाई का कही गो दोस्त भाई घर गयो रड़तो ज गयो भाई कही का गो तुमको रड़ी रहा यार काई गो थारा पियर में आग लगी थी सब घर बड़े गो तारो अनाज नियन सब बड़े कपड़ा लत्ता सब बड़ेगा ते गाड़ी हम लाओ काम सामान दस सारे बाप का सामान पहुंचा उन्होंने भाई बाप का सामान देना को अरे कपड़ा लत्ता ना अनाज सब गाड़ी बम्बर हाँ गाड़ी बठिन के आवा छोड़ी आओ फिर तू जा जा अभी लड़ा कर मैं तो गाड़ी ले लू गए दोस्त भाई कोई रास पकड़ ले जाकर तू रोटा दिया भैया तू ले जा ऐसा समझाता वो चूलो लेगा जी तू गाड़ी गाड़ी ले जा अब वो गाड़ियों को बचा जी भेज दियो नहीं घर आयो रड़ तो क्या गाड़ी कहाँ गई
तम सामान सब धरल जब हम पैसा भी रकम नहीं पे। अरे गाड़ी हम सड़क सड़क चलिया करो ना आंधी आई ते आंधी में गाड़ी उड़ी ते और एक चील उड़ती है तो इसमान भरे गए तो ले गए गाड़ी की उड़े ले भाई क्या अरे चील ने कहीं गाड़ी उड़ा ते चोर कहीं चूल्हा ले जाए है भाई गजब की बात है प्रभु की माया अपरंपार है आप देखो भगवान की माया अपरंपार है अग्नि प्रकट कर लू मैं जान लू क्या आकाशवाणी हुई आकाशवाणी हो कर और सुनो कन्या चितलाए शंकर की पूजा करी और खंडित भई हो जाए हे भद्रे लड़की कज आकाशवाणी हे भद्रे तू जल के मरे मत पति तेरा जीवित हो जाएगा कुछ परिश्रम करो तो पति को जीवन दान मिलेगा पूजा तुम्हारी खंडित हो गई बिल पत्र चढ़ाया हुआ डबल चढ़ा दिया शिव जी को इतने मरा हुआ पति मिला है एकादशी भाई ने नहीं कही दी कि जब तब उपास पूजा पाठ मत करो पति सेवा करो काज मत तेरी पर नहीं होती भाई का सफा नहीं कही गए पुराण पुरुषोत्तम की कोई तपस्या जब तप व्रत करने की जरूरत नहीं उपास भी रहो तो फरिया 100 ग्राम से ज्यादा नहीं ये तो उपास रहो अब उपास रही बची ना साबुदाना खीर से नहीं आधो किलो साबुदाना ना आलू अरे बाप रे 3 पाव आव खाई बैठी रात में डोरा नहीं खुलिया तो भजन कितनी वक्त कर आओ डोरा नहीं खुले भजन क्यों करे फराठा मारी रही खाट पर अब वो पोलो रड़ी रड़ी ने पड़ी को आ जा खाट पर भाई नींद में ढूंढ रहा जा कल्याण मारे भैया वो पोलो के ढोकरी हम आ जा पड़े की तू ज्यादा खाई बैठी तुख मालूम थोड़ो तो फरियाल कर ओका कज व्रत आज रोटी भी बनाऊ तो चतरे से बनाऊ अब रोटी बनाओ साग उगाड़ो तो मीरी कल्या कांदो कल्या ना हाथन नहीं होती मीरी ताशी बाग आन कभी खाणियों खाई बैठे सौंदारा में साक्का वाक्का कहीं खोले नहीं होगा कल से भरे दाखू बोल नहारी नारी नहीं पर नहाईड़ी बागन बुरी बला है मोटका स्टेज पर मोटका फुल पास प्रोग्राम दिया हमने खेड़ीघाट में और मोटका माफिया अलग गांव थी पर वहां स्टेशन में वहां फुल पास गणपति बैठाड़े रमेश भाई लेना है हमने प्रोग्राम दी हो तो भाई हम धर्म की बात में बताऊं तो कहीं बैठे एक 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 लोग भी जाती रहा 4-6 बैठे भाई ने भी जाती रही अब वो मोटका माफी का तुम्हारा गुजर लोग पानी वालता तो उनको मारो आवाज सुना नहीं तो गाराम पाए भरे ने मंडप में आया तो कोई नहीं 4-8 जन बैठे महाराज जी अरे तुमको यहां कौन ले जाए अरे मन को रमेश भाई आया अरे तुमने यहां नहीं आवनो तो यार महाराज मन क्यों भाई वो अरे खेड़ी घाट किनारे बसा है हरची करती लोग ने अरे तुम धर्म की बात कहो मन क्या सुन रहा है
गाज में लोग सब आशा से बसेल बता जो कहो धर्म तुम्हारा मोटका वाला महाराज जी कोई कोई बाहर ले कोई नारायण ले कोई कहीं ले ऐसा लोग बसे थे आज तुम धर्म की बात करो क्या तो ऐसी जगह फैल भी नहीं जाए गाँव ना हो है परिश्रम करेगी तो पति तेरा जीवित हो जाएगा ये आशीर्वाद है आकाशवाणी को उनका हो कहीं परिश्रम करूं कहीं दवा आई नहीं हमारे पास कहीं इलाज है नहीं कहीं जिंदो करूंगा है पर विश्वास लेना ना उतरी गई चिता पर से न फिर ध्यान योग आसन लगाओ योग आसन होगा पालकी वाले बटन ने फिर ढूंढा की काई करनू तो का याद आएगी बात की हमारा पिता का कब्जा म 52 कुंड अमृत छे पर अमृत के को आया शिव जी को कि हमारे बाप को थोड़ी है अभी तक तो कोई तो भी नहीं दिए रहे हम हाँ बाप को तो दे दिए वो तो उनको आया शिव जी को 52 कुंड अमृत थे 2000 आदमी रखवाले करे पर जाऊं कभी कोशिश करूं न मिली जाए तो अमृत क्या समझते हो तो तारो लगे दियो कुची कमर से बांधी ली आसपास कांटा लगे दिया पिंजरा का कि कोई नुकसान नहीं जाए पति मारती भागती गई अमृत का पास में तो 2000 आदमी रखवाले करता था जसी गई ऐसी मुनीम का पायन हम जाइन पड़ेगी बाबा बढ़िया दुख में आये थे छोरी तुम मगर पहचानो जो किनकी छोरी है हाँ 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 वासुदेव की लड़की हो हम जानते हैं पर किधर आई बेटा रास्ता भूल गई चल हम तेरे को रास्ता बता देते मैंने रास्ता नहीं भूली बाबा मुनीम साहब आज हम बड़ी दुख में पड़े थे मगर एक बूंद अमृत दे दियो मग कहीं नहीं चाहिए मुनीम साहब कह के देख बेटा ये तो तूने अनहोनी बात कही दी अमृत तो कोई का देता नहीं हम तो कसो दे दिया वासुक राजा से लिखाड़ी ला हम तुमको कलसे भरी दे जाओ हमारो का ही जाए पर बिना दस्खत से देवानी अहलमती समझी गई कि कोई को तो दिए ले आए तो मका का ही देगा मुनीम साहब हम हाँ तुम्हारा पायन हम पड़ी छोरी समझी लो मकन दे दो चार न आदमी ने कोई जाएगा छोड़ी आओ तो दुई को देर को दूर छोड़ी आया छोड़ी वो बाइक है इनकी गोर को जो चुड़ैल ने उतारता है ऐसा दौड़ाता था क्या फिर पछी पिंजरा का पास माई पिंजरा पास माई ने फिर कह कि हूं एक कोशिश करूं चौड़े पेरेल थी बदन में ब्लाउज वो कर निकालो और गेंद बने ने लकड़ी लीन गेंद खेलती खेलती जाऊं और निगाह बचे नहीं गेंद का अमृत में नाखी जाऊंगा फिर पची मांगूंगा तो देगा तो जरा बहुत तो अमृत रही जाएगा चतुर के घड़ी मूर्ख की सारी रात नारी नहीं पर नहाड़ी बागण बुरी बलाए नारी से नर उपजे वो रावण कंस समान वो भी एक भाई थी जो रावण कंस को जन्म दिया और एक कवि ने कहा कि नारी निंदा मत करो नारी रतन की खान नारी से नर उपजे धुर प्रहलाद समान वो भी भाई जी ने ध्रुव जी को जन्म दिया और प्रहलाद को जन्म दिया गेंद बने गेंद खेलती खेलती गई भाई अमृत पास तो मुनीम ने कही दी कि गेंद क्या रही इधर नहीं तो इसको संभालना छोरी को एक आदमी के बहन गेंद खेलने तो मैदान जाए कभी अमृत पड़ी गई तो पसीन दिया लड़के के आऊ में काई करो मगर जरूरत पड़ी जब अमृत जाओ तो हमारे घर जाइ रही हाथ तो निकासी धड़ धड़ निकल गया अब वो दो एक जोन गांजे पीणिया रहे चेलन पिया कर बीड़ी पीणिया वो सट मानना मो वो गेंद को उठे ही नाखी दिया अमृत डुबोक दी चिलम पड़ी गयो का अरे यार गेंद डाल दिया अब क्या होगा मुनीम को अब क्या होगा गेंद थोड़ी देना है उसको
बेटा आप तेरे को गेंद नहीं देंगे हम, तू चली जा निकल जा। साड़ी का सी नड़े में फांसी लगे खैची की देव नहीं अच्छी जीभ ले जाए, जैन देव नहीं तो हम मरुन चोमरा ना हो। मुनि में कई बड़ी पे खाड़े देखा सी यार, देव रे देव भाई गेंद देव गेंद के निकाले गदगद अमृत में। तो मुनि ने कहा गेंद को ऐसी निचोड़ना कि इसमें अमृत नहीं है, अगर अमृत रहेगा तो भगवान शंकर का चोर तू कहलाएगा, हम नहीं। ते गेंद को भाई आसी दबे ते अमृत तो कांदर तो नहीं रहो, पर एक रेशम को फुंदो बीच उंगली में सो दबाना कम रहो। ले उठा ऐसी साड़ी में गेंद का संभाल ली ने एक तरफ गेंद खोली देखते सुखी सट, पर रेशम को फुंदो गिलो मालूम फुंदा को निचोड़े भाई हथेली पर एक बूंद अमृत निकले है। बोलो रामचंद्र भगवान की जो इच्छा है सो मन माही, और राम कृपा बिना दुर्लभ नाही। राम जी कृपा के बिना सब दुर्लभ है। हरिद्वार में सत्संग हुई रोए, मथुरा जी में हुई रोए, हम वहां जा रहे हैं। तो तुलसीदास जी ने उसका कटौती कर दी, भाई जाओ तुम वहां सत्संग में। पर सत्संग का फल मिलने वाले को ही मिलेगा, सबको नहीं। गोस्वामी जी लिख दिया नहीं तुलसीदास जी रामायण में कि बिन सत्संग विवेकन होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जिससे राम जी की कृपा होगी उसे सत्संग का फल मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। खूब भी जाओ नहीं तुम। यार अपन चाह पिया नहीं बैठने में रह गए यार, अरे यार नहीं यार। अरे तुम धंधे भाई तैयार होकर तुम ये काम चाह पियो तो बकरी पानी के केला से मुंडा ले जाए। हाँ मुंडा छोटा एक अध्याय सुनो। बछड़े वाली गाय दूध देने वाली गाय दान करती इतना पुण्य मिलता है, पर एक अध्याय सुनो। हाँ ग्रंथ की लिखा पड़ी में आपको मैं बता रहा हूं कि इतना पुण्य एक अध्याय सुनने। अब सत्यनारायण की कथा में भी लिखे फल मिले, पर आओ कथा में भी कहा लोग आता है आंधी महाराज ने केम नहीं एक एक घंटा में पौन सौ कथान कह दीजिए। अरे नौकरी वाला भाई हमको नौकरी जानू मास्टर जी ड्यूटी जानू तो वो कथा भी करनी थे कह भाई। हाँ वो एक लव्य भेल तो नहीं कथा करने के लिए लकड़ी लेने को तो चंदन की लकड़ी बनी गई। अब आगे का ही कहो तुमको मालूम तो चाहिए मगर जरा स्कूल में जाऊ यार आपकी कथा लिखाएगा। अमृत निकल आया भैया उसमें फुंदे में हथेली भी निचोड़ा एक बूंद अमृत निकाल लिया, दो बूंद समुद्र का पानी
ब्रह्मा विष्णु महेश को नाव लेना कि दान के कार्यों के द्वारा अमृत छोड़ दिया कि और न मैं कुछ मांगती अपने जीवन के लिए रहने दे हाथों में चिड़िया खनकने बाई की जात आदमी को क्यों सेवा करे कहीं की बाई पति पे ध्यान दे कि पति हार बाई की इच्छा रहे क्यों सुहागन देखूं और सुंदर देखूं तो सुंदरता के का पीछे थे पति का पीछे पति है तो बिंदी है मेहंदी है पायल है साड़ी है और पति नहीं है तो ये श्रृंगार का है और श्रृंगार नहीं है तो सुंदर भी नहीं दिखती देखाते वो तो आदमी की चावल करे खिला पिला चिरा कर अमृत राखो मुंडा मकी जीवन दान मिलो वाहे गोपाल कृष्णा थारी माया परम पार से प्रभु लड़की बहुत खुश हुई देखी ये कंठ पास अमृत गो की कंठ हिलने लगी छाती पास गए छाती धड़ाका लेने लगी और नाभि में अमृत दिया है कि दो आंख ने खोल दी बड़ी खुश हुई गई ना चेहरा का देखा है पिया सो जिया में समा गयो रे कि मैं तन मन की सुध बुध बुरा मैंने जाना किया गयो सावरिया मेलो झट घूंघट में मुकड़ा छुपा बेटी लोटा भर के लाई चरण धोए चरणों की पूजा करी और गले में माला डाली कि मेरे लिए भगवान है आप पर यह बताइए आप कि यहां ये पिंजरे में कैसे बंद होकर क्या है बात है क्या भीम दया का ये मगर का ही मालूम से क्यों आयो ये तुको मालूम से इतनी बात मारी माँ है मारा भाई मगो वो देख लो चे मगो कोई सी बात नहीं करनो है पहले ही मग बता देगा कहाँ आई गई लड़की कह के देखो माँ से भी ना तो टूटी गई भाई नसी ना तो महाराज से जुड़े भीम कह की माँ है ना भाई को नाता तोड़ने को तो कई दिन मन यह कहा कि मारी बैठी है तभी फट दिन मरी जा गया नहीं ऐसी बात मत कर दे तो भीम दादा के पिंजरा का भीतर ताले ठोकी ने आवाज मारे तो आवाज के द्वारा पिंजरा का कट्टा सब उड़ाई दिया आसमान हाँ लड़की तो जो बागी तो मेरी करोड़ करोड़ दे रही एक डर वो मारो मरियो मारो मरियो मार भीम दादा ने आठी मारी से पछी रोकी भी दियो इलाज सब रहे इनका बात हाँ बता भागी मत जा बता कहाँ की जगह है कहाँ ही गुआ हूँ
लड़की ने विवरण बताया कि पाताल है, मैं वासुक राजा की लड़की हूँ, हमने परिश्रम करके तुम्हें जीवन दान दिया, तो अब तुम्हें आम खाए से काम, गुठली से क्या करना है तुम्हें। नहीं, भीमकज की ये बात भी बड़ी अच्छी बात है, अनुवाद रोटी खाई। कौरव ने कहा, अनुवाद जीव घबरा कर नजदीक आयो, फिर आकर हाल मको मालूम नहीं, मरी गयो माँ भाई ने पिंजरा में बंद कर मक वाड़ी दी। भीम नारागज की एक काम कर, हम मरे लाया तो तूने जिंदो कहां से करो। आयल मती गज की आदि पड़ी घोटाला की बात, कजे हम कई बैठी की वहां बावन कुंड अमृत चीज पीने जाएगा, 2000 लोग मान ना कर सवाली रांडी जाऊ। नहीं नहीं, तुमको काई जरूरत है, जीवन दान मिली को नहीं, आप तुमको पूछी ना खाई थे। नहीं नहीं, भीम के बते रहे भीम सैनिक को कि तुम पति बनाओ क्या हो, ते लगन तो लगा है नहीं, हाथ ते हाथ दही बटे ने आंगड़े ने दाजी तड़ तड़ वाजे पहुंचे भाई के चमड़ा वाले ऐसा लगन लगा है आंगड़े ने टूटी जाएगा। हाँ तो दवा बताओ कहां से रही, मरेला भी जिंदो हाथ छोड़ दे, कही दो जान दो मत जान दीजिए कही तो दो। फिर बावन कुंड अमृत को पतो दियो, 2000 आदमी रखवाली करे, मुनिम थे और हमारा पिता का कंट्रोल में थे, पर आए अमृत भोलेनाथ, एक चक्कर गई थी दियो नहीं, डबल मन गेंद बने अमृत में ना की आनो रेशम को फुंदाम जरासू रही को अमृत ते मनो काम दबाया तो तुम वो काम जीवित रहेगा। तो लड़की कह की रेशम को फुंदाम के तो अमृत होगा। अब ये बड़ो आदमी का छोटी बात करता हो, ये कहे कि रेशम को फुंदाम हुए 15-20 गुंडी वो मायू मरे बेचते है, क्या बात है जरा से 15-20 गुंडी कहा है का भाई एक बूंद अमृत निकले हो काम जीवन दान दियो भैया रखा ना तुम पुण्य लगे हो और तुमको 20 गुंडी है जीवी ठीक है तुमको कहीं कर भीम कह की मकई बता कहां थे अमृत रस्तो बता। लड़की समझी गई जाएगा माना गई उनको मत जाओ थी रस्तो तो वहां जाए पर मत जाओ तुम मरी जाओगा। जा तो से नहीं बोलू का नहीं यार अभी सम्राट से बात करो जाओ रस्तो बन जाए पर तुम बच्चोगा नहीं 2000 आदमी मान ना खा तुमको। भीम सैन कर के तू मग पहचानती नहीं पहलो परिचय से तू मग जानती नहीं ये 2000 आदमी कभी यहां से एक आवाटी मारूं तो सब गोदड़ी छोड़ी पड़ी एक दिन गया अंदाज तो उसको देखा है। भीम दादा कबड्डी मारता गया मानिया नहीं तो वहां तो बैठे था मुनीम साहब ने 2000 आदमी रखवाले करता था है तो एक आदमी ने बीड़ी पीली वाले दिन कट्टो कान में खोसी थी कि एक आदमी की नजर पर दौड़े को कान वाले दौड़ लोग दौड़े जब कान को वाला है पूरे कान बोले जाते मुनीम ने कोई भाई ये तुम इधर कहा आ रहे हो यह रास्ता थोड़ी इधर जाने का उधर से जाओ ऐसे निकल जाओ इधर रास्ता नहीं यहां तो ये अमृत भरा हुआ तुम्हें निकल रहे। भीम ने कोई की कहा ये पानी नहीं है अमृत है फिर अमृत आज तुमने का ढाकू चाहिए हम पेना में रहो तुम खेचना में रहो नहीं कहते 5-25 गुंडी पी जाओ मत का मतलब नहीं कर मुनिम के आधा दिख रहा है पिएगा पिएगा यार अपन रहते नहीं यहां चलो उठाओ सामान अरे कहा जाओगा ऐसा है भैया परेशान मत करो हम तो नौकरी कर रहे हैं किधर जाना है चले जाओ ये नौकर लोग डर रहे हैं तुम्हें
भीम का जी क्यों डरो क्यों का एडियो जी लोग ने कहे झगड़ा मारो। अरे मुनीम साहब मैं नया आदमी आया हूं, मेरे को लगी है प्यास तो तुम खड़े हो जाओ और मेरे को 50 गुंडी पानी पिला दो। यार वो 50 गुंडी को एक दो एक तो कुर्सी न बसी, वो बटनी हेठन कुर्सी ऊपर कह रहा सर 50 गुंडी पानी पीने सुनिए तो कि नहीं अपने को नाले जा पोगा ये मारे गया। अरे बाबा तू कह जाए पानी नहीं अभी मेरे पानी पिलाओ नहीं जो जरा अंदाज देखे भीम करके यहां सोचे यार भाई उन्होंने सुनी ले रहे न तो कभी एकादी पटी गई तो तुम्हारे कान से नहीं ये टपे के जाए तो सोना का भी बैठा हो जाओ तो वो कहा कि भाई झाड़ का माथा भीम दादा ने जरा झोला बताया तो झोला के जरा बोल पड़ा घर की रोटा करने पड़ा था नहीं वो डोला ना देखी बैठा थे कुर्सी ने बोलिया लेगा लोग मुनिम के कह रहे कुर्सी क्यों ले जाओ ऐसा है पायन जमता बराबर और पायन कही लोग का डोला देखी बैठा डरी रहा एक कह के डोला दे वो कैसा बड़ा बड़ा एक कह के आए मगर चश्मा लगा जाओ देखा है जब पूरे चश्मा ले आ तो पूरे को परात ले डोला परात लगा के देखा है अरे मेरे को पानी पिलाओ मुनीम ने कहा डरो मत जाओ 10-12 आदमी जाओ कोई भी ले जाओ पानी पिलाओ बेचारे प्यासा है, है? लड़ाई खत्म है मैं भीम कर की भाव लड़े कहा है कि पानी की तो से चलो नहीं 5-25 लोग गया कुआ पर बाल्टी थी भीम दादा सब पी रहा है 50 गुंडी पानी वटरे बाल्टी नाखी थी पर नहीं निकली तो वो पानी खींचने राजी नहीं करे हमारा हाथ फाटी रहा यार कितना बाल्टी पे उनको 150 बाल्टी तक पूज्य मत अभी जी इतना बाल्टी है तो फिर यार ऐसा करो नी तुम्हारे नहीं खींचा जाए झेरो खोदो खोद रहा हूं पानी निकले आवा हूं पिया करूंगा। हाँ रही दादी तो अच्छा आदमी जी यार फोकट दे दी रहा यार खोदो ते रेत में खोरनू चालू करो जरा गहरो गड्ढो भीम दादा ने पकड़ी ने दादिया गड्ढा ऊपर से रेत फेर दी ने जाने लगे गया वहां मुनिम को क्यों भाई वो हमारे लोग किधर गए पानी पिलाने गए भीम करके कहा का पानी पिला रहे वो कहीं मुनिम छुट्टी नहीं दे तो सामने 1.5 महीना बालक ने खबर नहीं ले लाए एक आज तो घर भाग गया भाई पानी वानी कहीं पिया रहे यार बड़े बेवकूफ लोग गया जाओ तो 50 आदमी 50 आदमी गया ना पानी बाल्टी थी उनका कहे कि कहां तक खींचो को मग मुक्त पानी लगे यार है यहां झीरो खोदो पानी निकल जाएगा पिया करूंगा तो कहा खोदा है वो जो गढ़ेल था हुआ खोदने लग गया कि गढ़ेल हुए गया वो लोग कहे कि यार कह अपना गांव मसाले अजा कहां तो यार अरे भीम दादा कहे कि मसाले नहीं वो लोग पहले आए पानी पिया जब भाग्या डर का मारे तो तितर बितर ही गालिया खोलिया गांव गया तो अपने घर बोलू कर वाणिया दाजी घर में बोले वाणिया दाजी लाकड़ी ले कह यार चूल्हा के टाले लो जा हाँ दादी यार हम भूल में आई गो यार मुनीम के पास गया भागता कह रहे क्या हो गया अरे महाराज जी मुनीम साहब को कहीं पानी पिया है वो तो वहां ले जाएंगे आत्मा जमा करी गड्ढो करी ना गाड़ी रो मुनीम साहब का बताओ हमारे से जीव तो आए थे भागी आए मुनीम को फिर काय कहा तुम भी खसको ते मुनीम कुर्सी लेन भागने लगे तू कहीं कुर्सी ले रहा होगा फिर मुनीम साहब कह रहा यहां धरी जाओ यार कुर्सी धरी भागने ना भीम दादा आया मराठी मारी आवाज आवाज तो कह रहा हूं दुड़की भागता था तो फाड़ आएगा एक ढट जा रहा है भागता भागता
भीम दादा गया ने कहा कि भाई मत भगो, आज कहीं सोना है आज धड़का मारो तो वही रहे एक ढट दे रहे। आज मुनिम साहब तो कुर्सी लेन जाए धरी गए भागी रहे नौकर भी सब। आज भीम दादा अमृत पास आए देखा तो कोई नहीं है। भीम दादा पालकी वाले ने बैठेगा कि अब अपनो राजपाट से कहीं डर तो आई नहीं। तो जैसे दुर्वासा ऋषि ने जो समुद्र का पानी ग्रहण किया था आसो अमृत का पी रहा है, तो मुनीम ने कहो कि तुम 10-15 आदमी देख जो वहां गवाह देना पड़ेगा अमृत का काई करी रो पी रो कि काई छे वो वहां पूछेगा कहोगा काई तो 10-12 आदमी देखता था। और भीम दादा सब आखा मुंडा पीने लगा अरे ये मनुष्य नहीं है रे कहीं कोई जानवर है भाई भाग एक सच मारियो का 52 कुण अमृत पानी जैसा ग्रहण करी रामचंद्र भगवान सब कुंड खाली पड़े बैठा है। लड़की भागती आई बाबे यहां बैठो मती आइए पैया अमृत काम गो हाँ काम गए हाँ पी गो और काम गए तू एक तो और चावल पी जाऊं तो तुम बैठो मत यहां वो लोग गए नहीं मारा बाप का लाओगे कोई को बोले लाओ तुमको मान ना कर। भीम दादा कहे कि सारा बाप को डर मत बैठा रहा तू जानती नहीं अभी यह काराठी मारो सारा डोकरो बेड़ो खुद ही जाए यहां वो बन तुम डर मत बताओ। लड़की कहती कि अमृत समझ पीगा हाँ सब नहीं पी गो तो क्या करो ये तो फिर कह तुम्हारी पत्नी आए जरा सो मारा वाटा रहने दीता। भीम दादा कर की देख तो सट मारी जमा होती कौन तो दे दी अब हम पी गो सब का करो पर एक काम कर आ मुंडो कर हम सारे मुंडा में कुरकुरो कर दे नहीं जाता मैं होते आज बैठू लोग भागता भागता गया कहा हाँ वास हो गया जा पास बाबा तुम्हारी लड़की एक वीर पुरुष को लेके आई है तो अमृत पास हमें भगा दिया और वो अमृत पास बैठा है पी रहा है पानी दूर दूर से देख के आए हम कब आए वासु राजा ने को कि तुमने देखियो काई करी हो अमृत पास बैठे हो काई करी हो वो चार आदमी का दादी हम देखता था वो तो वांदरा से पीतो था तू फिर बाद में काई वो कपड़ा धोए रो कह 16 साल लगत काई गोजरा था वो ये नहीं मालूम तो हम तो भागी आए एक कही सब पी गए अमृत 52 गुण अमृत महादेव बाबा कहे कि जो 52 कुंड वासुक राजा कहे कि 52 कुंड अमृत पी को कम बली हुए कोई से मरे है सामान अटवो अरे सामान कहना धरांगे यार अरे तुम उठाओ बोले रेत में डांगरा लगाओ चलो तब बाकी का भाई वासु राजा ने कोई अतो डर तुमको जे यार फिर मकर नहीं डर लगल है पर एक काम करो ये अमृत किसका है भोलेनाथ का है वहां जाओ खबर कह दो भोलेनाथ जी 50 आदमी कैलाशगढ़ पर गया हरिओम हरिओम भोलेनाथ गजब हो गया क्यों क्या हो गया पार्वती भंग उठती थी गणपति महाराज भी बैठे और महादेव बाबा बैठे
ते भंग पीर तक पांच छह डब्बा नशाम था वो आज इनकी बात सुनी बचा ते भंग उतरी गए बाबा जो निकले भंग ते खंडवाम रात रही भंग सीधा साथ थी गा अरे क्या क्या बात हो गई महाराज एक अहिलमती एक वीर को लेके आई जो तुम्हारा बावन कुंड अमृत पानी जैसे ग्रहण कर गया अजय भगवान को कि फिर तो अब समय आ गया भगने का भस्मासुर के डर के मारे भगेगी नहीं अब भगने का समय आ गया अब रहना नहीं है पार्वती तू भी जा तेरे पियर गणपति महाराज तू भी कले जा माधव बाबा का हम भी कह जाए खोजराम दपड़ू निकल जाओ 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 नहीं नहीं बाबा तुम बोले ना तीन डरी राय कि हमारो का ही हो मैंने पार्वती अमृत पी गया वो कम बलवान थोड़ी हो गया किसी से मरेगा थोड़ी अमर हो गया वो तो पार्वती के बाबा ताकत न तो तुम लोग लग दिए जरा तो कहेगा ओम नमः शिवाय मांग क्या मांगता है दैत्य नहीं नहीं कहता है ना हम आए हुए भागने के लिए कोशिश करी जाए पर एक काम करो ध्यान से देखो अमृत पीने वाला कौन है ते महादेव बाबा भी ढूंढ रहे डोला मिची ने कौन आए गणपति महाराज भी ढूंढ रहे पार्वती माता ढूंढ रहे पार्वती माता ने ढूंढी ली कि पांच पंडव नमों को भीम आए भीमसेन जहर खा के मर गया यहाँ आया है और वही अमृत पी गया ढूंढी ली पार्वती बाबा पूछे बाबा कौन आया अमृत पीना और महादेव बाबा कहे कि देख मेरी समझ में तो कहीं आता नहीं पार्वती मेरी समझ में तो आ रहा है कि इधर आ रहा है वो मेरे को उठा के इनके समुद्र में पटक देगा ये इधर आ रहा है वो अरे नहीं बाबा अमृत पेरा वो पांच पंडव नमो को भीम आए वो पी गो अमृत भीमसेन को नाम सुनी बैठा तो नंदीगण पर घुघरा बांध बिछाव हाँ नुखर्ची बुट बैठी का नंदीगण के बाबा आज असर वसर कहीं लगा तो आज ऐसा भगरे जल्दी भगना है क्या घुघर मारे कहीं पूछा दो कसा बांध दो आ रहे अरे बाप रे डर कमारे भोलेनाथ जी घबरेगा भाई काई करो महादेव बाबा पार्वती को के काम करो भागो मत हम तुम्हारी अर्धांगनियां हैं हम भी तुम्हारी मदद करने तैयार थे हाँ वरुण गाय माता पार्वती को हाँ बनू गाय माता तुम बनो शेर आन हाँ निकलूंगा भीमसेन के सामने वासी तो मगर देखिन पाया जाएगा आन तुमका देखिन शेर को रूप लेकिन तुमका देखिन आग जंजाल हो जाएगा मेरे होते हुए क्षत्रिय के होते हुए तू गौ को मार दे तो धिक्कार है क्षत्रिय को पार्वती का कि वो आवागा तो तुम मगर पंजो मार जो तो आज वो आवगी नहीं तो तुम्हारा पाछड़ा पाया पकड़ी तुमको उठाओ आने से एक्का फेरेगा तो पची पार्वती बनी जाऊ कि जेकर तूने उठाया जो ये वो थोड़ी है शेर थोड़ी है ए, ये तो गौ माता तुम कैके उठे रहे भोले ना आता है तो ये शेर समझी फेरी रहा है तू तुम्हारा पाए छोड़ेगा तो तुम होशियारी कर जो आदित है शंकर की आदित है शेर की तो शंकर को हाथ से त्रिशूल मार दो तो सीना तक चीरी दीजो आन फिर शेर को पंजो लगाओ आतड़ी ने खजो तो आतड़ी टूटी कि बावन कुंड अमृत सब निकले आओ तुमके एक फेना देवो ना पी पार्वती रूप ले जाऊ महादेव बाबा के देख पार्वती तूने सब योजना अच्छी बने मेरे गले उतर गए पर वो नहीं जमी बात पैर पकड़ करके उठाएगा कभी दगड़ा फेंकी दिए तो दगड़ा फेंकी दिए तो मरना ज दीजिए अरे बाबा तुमका मारी ना हो कहां जाऊंगा
तुम्हारा लेन मैंने 3000 वर्ष तपस्या करी ठंडे जल में बैठ करके, मौसम से गर्मी में लकड़ी जला करके, बारिश में पानी में, ठंड के शरद ऋतु में ठंड में बाहर बैठ करके 3000 वर्ष तपस्या करेगी, पति मिले तो मेरे को भगवान शंकर आना हो तुमको मारी ने कहा जाऊं। तो पार्वती माता ने कलयुग में वो पास 3000 वर्षों की तपस्या को फल कलयुग में 24 घंटा का लेन बाईनगर दे गए पार्वती कि कौन आएगा 3000 वर्ष तपस्या, पर कलयुग में बाई ने 24 घंटा उपास कर लेगा तो हमारो फल मिलेगा 3000 वर्ष को 24 घंटा। कहा को या भी कहीं नहीं हारता हुई थी कठिन उपास, कहीं नहीं खाना पीना, कहीं मावो खाना पहन कहीं है ये तो पानी, यहां पानी और एक बिल पत्र, वो कब 24 घंटा निकालना चाहिए तो 3000 वर्ष तपस्या को फल बाई को मिले ओ, तो मावो खाना। अरे बाप रे, आधो किलो 3 पाव हेड़ दे पानी लो बरस मारा गावरे भाग है प्रभु और भाग्य है तेरे। गाय बहन पार्वती माता हिम्मत नहीं रही तो गई गाय बहन वागुल करी और फिर भगवान शंकर शेर बनिया, तो गाय के देखी भीम दादा ने पाया ना गया और भाग्य काम धेनु गैया मैं नमस्कार करता हूं और फिर शंकर भगवान शेर बनिया, शेर बनी गाय को पंजो करी ना सको तो देखी ना खड़ा होया आग झंझाल होगा कि देख क्षत्रिय बैठा हुआ मैं, मेरे होते हुए तू गौ को नहीं मार सकता है क्योंकि महाराणा प्रताप की रैली निकला है, मूछने केवड़ी केवड़ी जी महाराणा प्रताप की है, तो उन्होंने अध्यक्ष जो था 10 जिला उन्होंने कोई भाई राजपूत भाई जितने जो कोई नहीं मूछ बनाएगा, तो दो एक जन को कि मूछ ने नहीं बढ़ावा तो बड़ी बड़ी हो जाएगा तो अध्यक्ष आप लोग को कि अगली रैली में एक एक भौरिया दिया जाएगा सबको दादी यार कहाँ जा रहे हैं, मकई भजा बना जाए को जाए जय भैया ताई को गोपाल कृष्ण भगवान की
कि शेर का देखी नाक जंजाल होगा भीम दादा। क्षत्रिय धर्म जैसा धर्म नहीं करिए विश्वास, मेरे होते तो गौ को मार दे। दूध पिया जिस गाय का पाला सब परिवार, वृद्धा वे लागे बुरी मतलब का संसार। दूध देती है बछड़ा होता है जब प्यारी लगती है, जब वृद्धावस्था पे आ गई हम उसको बेच देते। क्या हमारा धर्म कहाँ है, है? गौ रक्षा सम धर्म नहीं और हिंसा बरोबर नहीं पाप। फल आपको प्रत्यक्ष मिले समझ लीजिए आप, क्योंकि संतन कह रहे कि पर अहिंसा धर्म जो इसका बराबर कोई धर्म नहीं है। किसी जीव को मत मारो, जीवन को मत मार छुरी से, ब्रह्मानंद भजन में जीवन को मत मार छुरी से। बकरी के मैं खाऊं आला पाला, लोग निकाले मेरी उल्टी खाला, मन का ही बिगाड़े तो उल्टी डांगी दी भाई चमड़ी हट दी। माओ कोई को नाव दे उनका है तो मगर बिना अपराध से क्यों मानना है। रे मन संत गज की रे मन निर्लज लाज नहीं आवत, हे मन तुझे दया नहीं है। रे मन निर्लज लाज नहीं आवत, परगल काट पेट जो पालत मन आनंद आती आवत। संत वाक्य है, किसी को गौ कटेगा मरेगा तो तुमको आनंद आओ खाना, किसी जीव को मरेगा। परगल काट पेट जो पालत मन आनंद आती आवत, मरगट स्वान तो से अच्छे ऐसे मन से मसान घटे के कुत्ते अच्छे, जो पड़े रहते किसी जीव को निभाते। कहां तक संत लोग का जो है समझाओ, पर तभी समझ में नहीं आती है। समझण उतारू गौ उतारू, मानव जीवन में यो कर्म नहीं है, वैष्णव धर्म है ये कर्म नहीं है। शुद्धता रखो तो 84 जी बचना हो तो बच जाइए। माता पिता गुरु और देवता चार तीर्थ है, माता पिता गुरु और देवता, ये चार तीर्थ को कभी निकलेगा पार तो वो जीवन मरण का चक्कर से छूटी जाएगा। अब राम जी की कृपा हो तो उन्हें तो कहीं कहीं नहीं होते नहीं, खुद भी कोशिश कर तो चक्कर पड़ी जाएगा। उठायो शेर बनी शेर को रूप ले तो बाजे बाबा, तो भीम दादा ने उठाया गाय का पाए लगी शेर का पाए पकड़ी ने ऐसा फेरने का। पार्वती गाय बने थी वागुल करी रही, फेरी लेन दे बाबा का 10-12 चक्कर। लोग ने बहुत वरदान दिए बहुत ताकत दिए, फिर भाई फिर खो फिर ते वागुल करी रही। माते बाबा कहे गुलाम की लंडी तूने मेरे को फंसा दिया, तूने मेरे को उलन की बंडी पीना थी, नारी पे विश्वास खत्म हो गया, मैं मर जाऊंगा बच्चूंगा। ते डमरू हो जा रहा डुन 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 का ढूंढ, वो भीम का सोना डोला मिशन चेरी उनको अब काई करू यार डमरू भी बजा दी। फिर अब काई कर जटान बड़ी बड़ी फेंकी तो डोला कहीं खोले नहीं भीम दादा। फिर पार्वती ने रूप लियो गाय को रूप छोड़ी पार्वती। अरे जिसे तुम घुमा रहे हो वो शेर थोड़ी है, जब देख महादेव है उनको फेर रहे हो आप। भीम दादा देखिए बेटे अरे हाओ यार अभी तक तो बाबू मर जाते गाँव में यार, ते नीचे पटके हो ते बाबा को भोर आई गए तो बरबर डकी हो लोग ऐसा कहें कि कुआर का काचरा बाधो को मई राम जी को बुलाया चलू जी ने भादो में मई बहुत हो कलचा कलचा पिया कर आज कुआर मैंने डांगरा
चाहू डांगर आई पत्र नहीं ढूंढो आई पाए छोड़े महादेव बाबा का मन कहा तुमको फेर दिया बाबा मग क्षमा करो आओ का क्षमा कर तो ना आडबीत लियो तुम अगर और वो पर छोड़े कर कर पाए न पड़ी गया महादेव का महादेव बाबा ने उठेन गला से लग गई आसे दया भीम का कहीं मांग क्या मांगता है पार्वती का आलू भूजी को नहीं आदमी का भी आलू जरा कह रहे है अभी फेरी इतना मान जी ये बहन नहीं है पार्वती के वो ये मांगी रहा है कि तुमको एक महीना तक फेरिया कर हाँ जा पार्वती वो का मांग रहा है ऐसा ये तो तू कह रही है पर मैंने जो कह दिया अमोघ है वचन अमोघ है कह दिया देऊंगा मांग क्या मांगता है भीम दादान को महाराज जी हूं काय मांगू तुम्हारा से मग कही चाहिए मगर ये चाहिए कि इतनी वक्त मारी मां मारा भाई हस्तनापुर कल्याण थी हूं दिशा भूल थी मारी मां मारा भाई ने सी मिलाप करार थी बस ये जाऊं कहीं नहीं मांग महादेव भगवान को लड़की आयल मती आई हाँ तुम काई काई का कहां भेजी रहा है ना हम हमारी रक्षा कौन कर महादेव भगवान को किस बात तेरी भी ठीक है हाँ तुम अगर कौन सा महाराज आंख से आंख मिली भीमसेन की और अहिल्मती की गड़बड़ा और तत्काल कल्पवृक्ष झाड़ के नीचे बच्चे ने जन्म लिया उसका नाम कपलुवान रखा कल्पवृक्ष झाड़ के कई अंबाक ये तो अपन है बापा कई बैठे अरे अंबोन फिर का एक गांव आगा ले अमली एक गांव बसे लड़ू अंबोनों का आगा अमली अपन अंबो कह रहा है लेकिन वो भागवत में कल्प वृक्ष झाड़ कर अंबाग कल्प वृक्ष झाड़ के नीचे बच्चा ने जन्म लिया उसका नाम कपड़ू वाहन रखा अहिल्मती को छोड़ भीम बठार दिए अहिल्मती ने कह दिए कि आप जा ही सके मारी रक्षा करना छोड़ो थे जा सके जाओ भीम संघ को कि तू डोला मिच जैसे साधु को वरण डाल दिए बड़ी बड़ी जटान जोड़े ना तुम्बा हाँ बेटा डोला खोल तो भीम दादा ने डोला खोला ने देखा तो साधु जोड़े न तुम्बा न झंडा न दाढ़ी जटान भीम दादा को महाराज जी ये तो आज तुम्हारी जमीन तुम्हारी अपनी लड़े भी जाएगा मिया ये महाराज डोला में चढ़ी मैं साधु क्यों बना हाँ साधु नहीं बन तो साधुओं को जीवन बड़ो निब्बा आवाज कोई जेन न कोई नहीं भी कही दे ना एवडो कठन जी जगह बांधना जाऊ मग नहीं कही दे ऐसी फट दिन मरी जाओ हाँ सहन देला की नहीं करो साहब साधु कहीं बनते नहीं अरे नहीं बेटा ये काम कर तुम साधु बने निकासी भेजो कि थारी बार बार की पंगा ना बटी रहे करो लोग भी सब रिश्तेदार हितू भाई भी थे आन भीम रूप में कदू तू जाई बटियो है तो वहां तुको देखी न करो लोग मरी जाएगा फिर ये कसा आगे कसी बढ़ महाभारत की एकाश तुको साधु बने भेजी रहो चली जा जा भीम दादा ने कहो ये बात तो ठीक है पर तुम्हारा सामान कहां धरूंगा दाढ़ी जटान तुम्बान झोड़े न तो महादेव बाबा को एक काम कर दे वहां मिली लेजेंड फिर सामान कहीं हर दीजिए ये तुम्बान झोड़े न साधु नगर दे दी आन दाढ़ी जटा थे गम्मत वाला नगर दे दी नव दुर्गा वाला हमारी लगे ले चल फिर स्वामी तो है बगमग 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 ज्ञान ध्यान का भरिया सागर जिन परचो दियो बताई
सुखी नदी बहाया नीर गुरु बड़ा ज्ञान गंभीर। सेठ को लड़को मरी को जड़ावड़क वहां सुखता पलाई रहा तो सिंगा महाराज ने अवलापीर बटेल था अवलापीर की नजर पड़ी कह रहे सिंगा जी लोग इतने कहा रहे सिंगा जी इनको पहचान नहीं हिंदू धर्म कोई मरी को अपने यहां मसान बैठा यहां लाई रहा है बाबा ये शमशान भूमि है वो मरा हुआ यहां लाएंगे जलाएंगे उसको। अवलापीर ने झोले झंडा उठाया सिंगा जी खड़ा हो जाओ तो दूसरी जगह बैठेंगे यहां मुर्दा जलेगा हम नहीं बैठे क्यों हम तो उसको दफनाते बच मरने वाले। सिंगा महाराज कहे कि हम यहां बैठी वो भगवान का भोग लगे जो सामान धर देना हम तो कहीं जाओ नहीं बाबा तुम जाओ तो जाओ हम तो यहां ही बैठू जिद्दी करता है अरे खड़ा हो जाए हम ही करो तो अवलापीर ने कहा काम करो मरे हो को बुला के लिया है तो भी मंत्र पढ़ना मैं भी पढ़ूंगा जीवन दान दे देंगे। सिंगा महाराज के बाबा आसो काम कभी करी बैठा नहीं लोग ठान जाना दे टंगड़ा पकड़ी घरता ले जा गाँव हाल वहां जो रखो कोई मरे के अपना पर ले आओ तो कायन घोटाला पढ़ो तुम अरे जा जा बुला के तो ला गया सिंगा महाराज भाई ये कौन मरी गो अरे से शेरला जी को छोरा ये रड़ी रो यकत तो भाई मरी गो जड़ाव ले जाए सिंगा महाराज को चलो बाबा हमारा बठिया बोले रहा है लोगों ने को साधु ने काम बढ़ू आओ रे चलो रे आई जाए मुखोत कहीं कहीं करीब दे यार है लेन आया न उतारी लाश कर अवलिया फिर देखा था मुसलमान थो कह रहे सिंगा जी तुम्हारे लोग बड़े पागल हैं ये मर गया इसको बांध चल दिया ये क्या भक्ता है लोग के दाजी तमरी बात भी सही है पर काम पण में मरण नहीं तो हमको झाड़ नहीं उठती अरे काम की टेम मरण नहीं तो हमको हमारे बाप को मारना केवल तो फिर होगा यहां से बांधी ले जाओ हाय बाप में चलना करे पड़ी जाओ घंटों दो घंटा वहां लगा एक से पहले यहां जो मजबूत काम कर लिया बांधी जाओ। अवलापीर ने कहा सिंगा जी लोटा भर के पानी ला लोटो बोला है पानी को मुर्दा पस्सी निकाले को जा पानी ले जा मैं कहता हूं कहा ले जाओ महाराज अरे कहा ले जाओ इस सेठ को पूछने उसके बाप को पी लेगा उसका छोरा जिंदा हो जाएगा सेठ राजी सारी उम्र भी सब पूरे जवान से पी ले तुमने सब रीत मुत कर ली पर तू पी ले आ तो सेठ दाजी कही अरे जाओ रे साधु नो यार तुम ऐसा मक्का कहा कह रहा है पीना कह दे बाप नहीं कहो कलयुग में परचे दिए कि केको बाप ने केको परिवार ने केको रिश्तो नहीं 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 महाराज सिंह पिया है भाई उम्रदार डोकरो नहीं कही वो लोग कह दाजी पी ला रहे था छोरो जिंदा जाओ पी ला अरे नहीं पिया है भाई अरे पी दाजी नहीं नहीं पिया ने फिर अवलापीर ने पूछा इसकी मां मां मर चुकी है जीवित नहीं मां होती पी जाती पर मां थी नहीं मरी गई और इसकी पत्नी या पत्नी जवान है कि जवान छोड़ा है कहां है बोले वहां घाट पे होगी वहां ले जाओ वहां लोटो भरी लेगा सिंगा जी लोग ने पूछे भाई ने बहनी छोरो मरी वो कि घर वाले काम से हाँ ये छोरी हो जाए बोली ले बेटा ये तो पानी पी जा लोटा मको थारो पति जिंदा हो जाए तू मरी जाए लाड़ी भाई कह की मका कसा कह रहा तू मार ससुरो उम्रदार होकर जीवने के आस न मकान मरने के आस हाँ कह रहे मरू है नहीं 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 हम भी इनके हम भी चार छह साल गुलाब जामुन खाऊंगा अभी लोटो भरल पछवा आयो भाई पियो नहीं कह रहे क्या हुआ नहीं महाराज नहीं कह दिया बहू ने भी नहीं कह दिया तो शेरदा जी कह महाराज
हाँ तो कह 50,000 रुपये जो तू पी जा आधा बढ़िया लोग तुको 50,000 रुपये जो पी जा वो अवले फिर सिंगाजी कह के आप पीन मरी जावा तो रुपया क्या कह जाएगा सर पैसा बची जा वो बात ला तू यार क्योंकि शेठानी खोई गई जतरा में तो पावन ही रकम न पेरे ले तो शेरदाजी घबराए बैरू को मान ना कर तो कि शेठानी ऐसी कह बाबा महादेव बाबा मैं पति से मिले जाता हूँ 1,000 रुपये चढ़ाऊंगा 1 रुपये ऊपर तो महादेव बाबा स्वयं रूप लेना गांव का आदमी बनी ना सुप्रत लगे जी सेठ का अरे बाबा शेठानी रकम साहब मरी जाती तू तो महादेव बाबा हमारे पिताजी ने बचाया मग पर मैंने 1,001 रुपये चढ़ाना शेरदाजी ने दिया पैसा ने चढ़ा नहीं पैसा चढ़ाया महादेव बाबा के पिताजी तुमने हमारी रक्षा करी तुम मग छोरी समझो तू सेठ वहां जो फिर तो पैसा दे कहीं का है काई कह रहे महादेव बाबा हमारे पिताजी है तो सेठ कहे कि थारो पिताजी आया तो फिर हमारो ससुरो लगे तो जमे लगे तो जमे तो खातो है ते पैसा उठे दिया चढ़ायल भाई प्रभु जी तुम चंदन हम पानी ये भी काव्य रचना है संत रचना है अपन बने गाओ तो काम तुम्हारे जीवन को काई कर जा रहा है संत रचना गाओ तो जीवन को उद्धार हो मखन बन हमोरा Thank you.
राज्य में बढ़िया है जमा रहा है वो और संत ने देखो नाम कमाएगा जी तुम स्वामी हम जाकी भक्ति चले रे दादा जाकी दास का भजन है जाति का चमार है और भगवान की भक्ति में भी प्रसन्न हो रहे प्रभु जी जाकी भक्ति करे रे दाता प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रैदास की पंक्तियां आई रैदास का भजन है जाति का चमार है क्योंकि हम रैदास कबीरदास मीराबाई ये भजन गाने आदमी है भले नहीं गाओ तू हाँ काम का ही तुम्हारा उद्धार होगा हाँ कभी बने लेकिन गाऊंगा तो काम जीवन को काई कल्याण संत रचना में आनंद भजनानंदी जीवन व्यापन कर मन रसोन जोड़े भगवान संतन को है जैसी नैया लगाओ पार वैसी लगा दे भगवान देता हूँ गाउनों तो हर प्रकार का निकलती चाहे जना गाई सका पर नहीं आन फिर ये कहा सो भी नहीं कि वो नहीं ये भजन है ना रास्ता में गाओ तो सुझ गाओ हाँ नहीं नहीं वो रस्तो भी नहीं चदरिया जीनी राम जीनी भी आते हूँ मैं कभी ना गाऊ तो भाई गाई गाय लोग ये गाना होगा कहीं भाई जाए बाबू पर भजन संत का कहो तो राम जरा आनंद आओ आयो समय महादेव बाबा को वरण साधु को डाली ने कही दी कि खोल बैठो आ भाई जाए सामान दे दीजिए जा भीम दादा घर गया तो कहां गया हस्तिनापुर पहुंचाए पाव पलक पंगत वहां भैर सोरा कड़ीरा साफ सुथरो काम हुए पातल न लाई रहा सब मिजवान लोग बैठा सब करो लोग भी मामो सुखनी करके काम करो मगर गर्मी में रही पंखा लगा तो चार पांच पंखा लगाए लाइन बंद हुई गई तो वो लोग ना चेड़ कर का तुमने इंजिन लाना था सब लोग कहेंगे हाँ हमका क्या मैंने वो लाइन बंद हुई जाए फिर दस पंद्रह तारीखा कर सुपड़ा बुला पानी छीटी फिर उनका हवा लो भाई हवा हो रही दासो थोड़ी दुई तारीख कह अगर सोपड़ो पछड़ी जाऊं गर्मी हो जाओ हवा मिलो काकड़ पर आया भीमसेन दादा और काकड़ पर से आवाज मारियो 60,000 हाथी की ताकत थी मामूली थी वीर वीर भीमसेन में कितनी 60,000 तो एक आदमी कह कि जब भीमसेन में 60,000 हाथी की शक्ति थी तो दुर्योधन में कितनी थी प्रसंग पूछे जैसा मैंने कहा दुर्योधन में 80,000 हाथी की ताकत थी भीमसेन से 20,000 हाथी ज्यादा ये 60 और वो दुर्योधन 80,000 तो फिर इतनी ताकत वाला मारा कैसे गया जो 20,000 ज्यादा शक्ति रखता था भीमसेन से तो फिर दुर्योधन कैसे मारा गया मैंने कहा कि भीमसेन जो थे वो नीति का युद्ध करते थे और दुर्योधन पास अनीति थी इसलिए मारा गया वो
महानीति जो है ना वो अधर्म का विजय थोड़ी हुई, धर्म को तो विजय होगा, अधर्म को विजय नहीं हो, नाश हो जाएगा। गोपाल कृष्ण भगवान नर्मदा मैया गली ने साफ सुथरी वीरेंज बठिया जा आसन देन बठिया सोना का बाजू उठलाओ क्योंकि दुश्मन की पंगता है। सोने के बाजूट लाओ तो सोना का बाजूट बुलाओ, पांच भाईन पास चार भाईन पास बाजूट लाए बैठो भाई, हमारे भाई की पंगत को सुधार दो, बिगाड़ो मत। हार थाली चांदी की लाओ उसमें हम रोटी खाएंगे। वो ऐसा कह के अच्छा मर गया, अपने को क्या करना है, मरने वाला मर गया। चांदी का थाली न मची मेरा परसों बैठा पर परसों जल्दी परसों भूख लगी सामान ले लेन आन भीम दादा काकड़पा आया सिंगी नान शक्ति दे रखी थी भोलेनाथ ने सारे ठोकी ने आवाज मारा तो रणभूमि में योद्धा लोग शस्त्रबान छोड़ी भागी जाता ताकत थी। फिर आओ दी दूसरा पंगत में जिमिना ने कई ताकत है वो बटी रहे हैं वो तो आवाज मारो कि एकदम भागी भाग पड़ी उनकी काकड़ पर कई कर खड़ा एक दरवाजे भूखा भिकारी खाना खिला दो तो मर्जी तो अरे क्यों चुपचाप क्या सोच बिचारी खाना खिला खाना खिला दो तो मर्जी बोलो रामचंद्र भगवान। काकड़ पर आवाज मारे भाई तो पर कहीं वो साधु बनी हो तो आवाज थोड़ी बदली, आवाज तो भीम सेन की आवाज थी है गर्दना करे आवाज ते पाताल ना पो बैठी गया था कोरो लोग जिमला का मिजवान लोग और भीम दादा को आवाज सुनी बैठा पंगत में आवाज भरा तू जिमने जो बैठेल था नी मुंडा टेकी दिया पाताल उबड़ा जाई पड़ा ते कहीं कहीं जगह चावल ने दाल फिरसे को तो दाल में मुंडा बाड़ी लिया एक का मुंडा में इतना चावल भरेगा एक ले जाओ कड़छी ले जाओ नेड़े का मुंडा में सर जा जा नेरे मर जाओ मारा बाप रे अरे यार मर जाओ भाई अरे मामा सुखनी अरे मामा तू ले बैठे रे भीम जिंदो इन आई गो यार ये होने जा लाठी मारी मर जाओ मैं यार मामो का यार तुम भी गजब करो यार एवड़ा मंडोरो रे हैं पर मामो का जी जरा जरा पिलीम तरवरा मकब चली रह जा मकब अंदाज देखा कि वह जाया
दादा तो देखा जो सर इतनी देर में भीम दाया सर पंगत का सामना वो जो जिम बैठेल था नी तो वो जीमा थोड़ी आसो भीम को देखो अरे सीधो जिम रे सीधो जिम आसो काई करी जो नहीं यार मामा आसो जिमतो जिमतो पछड़ी नड़े पकड़ ली तो अन उठेन फेक चलवाम दाल फेंकी देव एक खतरनाक आदमी से ते डर लगेगी कैसा देखा है आवाज देखते देखते कहेगा चौलिया है मजाक करने से जिमते जिमते वो हाथ दूसरा को मुंडा दे कि वो उबो डर लाते कहे वही तो हाथ मारा मुंडा मर दिया आज एक मन मारे यार बोला देखी रो रहे एक आज हाथ ले चली गया भीम दारा ने कहो कि जिमो जिमो प्रेम से डरो मत मैं तो महात्मा हूं भूखा हूं भोजन भूख लगी है मेरे को तो तुम लोग क्यों घबरा रहे रहता क्या हो गया बोलिया के मामा जो हो जाए वो आसो कहीं ना अपन लोग फुसले कि बची रहे यहां फिर इनकी नड़ाई ना पर लात धरूंगा फिर अपनी नड़ाई ना पर दावन दौड़ेगा नहीं थी घुघरा जा कर देगा आ मामा भागन जा रहे मत रहता मान डर बट 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 इतना मान डर तुम क्षत्रिय का बाबा कोई ना नहीं क्षत्रिय जी वो क्षत्रिय और यू आया वो पानी में बचे थे नहीं वो क्षत्रिय क्षत्रिय जी आया आया तक बैठे हाँ बाबा बैठ जाओ बैठ जाओ तुमको भूख लगी है अरे भूख लगी जब तो मैं पंक्ति देख के आया हूं भोजन करवा दो महात्मा को जो साधु के एक पत्थर डालेगा बैकुंठ में लिखा जाएगा जो साधु को भोजन करवाएगा बड़ा हो भाग्य उसका भोजन करवाओ हमें लोग दुर्योधन दुशासन नहीं कहे कर डरो मत बाबा हम क्षत्रिय की पंगत आए पहले तुमका जिमाड़ा फिर होगा बाद में हम जिमा क्षत्रिय दया बहुत थी भोजन बहुत कराता पहले ये तो हम जमाना है को बांधो लगे नहीं अकलोज खाया कर हाँ नहीं तो शास्त्रों में से एक क्षत्रिय को बड़ी दया थी कईयों लोगों को भोजन करवाते 16 साल में ये खोप पर आओ काज हाँ वो वहां सब खत्म ही बांधना की साकल नहीं तो दी पाए लगे जी मैं कर कि बांधो खुली जाए बाबा पहले तुम भोजन कर लो बैठ जाओ फिर हम बाद में भोजन करेंगे तो पातल ना कम से कम 15-20 पातल ना बच्चा उड़ी कर धरी है बोलिया के मामा वो जा रहे यार ये उड़ी पातल ने क्यों धरी ये हो जाए वो जाए वो जाए मामो के जब दो चार जन पछड़ी पीली ना देखे आशी कदी हो जारी जारी तू भगाया अरे जारे मामा हमको होगा बात भेजे है उठे घानी मानी फिर फेंक देगा चरवा माम का हम नहीं जाता मामू का यार तुमने भी डरना में हद कर दिया इतना बात भी कहीं डरनू है मामा यार हमको डर खूब लगे यार पातल ना धरी और फिर वो का चावल लाया कुंती माता खिड़की बठीन रेडी रही थी माँ की ममता है माँ को मन है रड़ी आंसू की धार पड़ी रहती कि मारा छोरा का आज 12-13-14 दिन नहीं गा ये तो रोज आनी में सी रोटी मावे माँ छोरो भोजन दियो माँ भोजन दियो पर आज कोई नहीं कहे कि मगर भूख लगी रोटी दियो 12 दिन से कोई नहीं कहे मगर रोटी दे दियो नहीं कहो तो रही रे आंसू टप टप पड़ी राज माँ का Thank you.
रामचंद्र भगवान वृंदावन बिहारी लाल भोजन कर रहे राम जी और कौशल्या ने केके ने हाथ पकड़ा। मां ये क्या है, भोजन करना बाद में मेरे को वचन दे। जैसे कौशल्या के यहां प्रकट हुए ऐसे मेरे यहां जन्म ले लो। देवकी के यहां जैसे कौशल्या से जन्म ले ऐसे मेरे यहां जन्म ले लो। तो दूसरा अवतार केकई को आयो, देखो देवकी को क्या अवतार तो लूंगा पर दूध तुम्हारी मां यशोदाज को पीऊंगा, तुम्हारा वचन पूरा करूं और जन्म लेऊं पर दूध नहीं पीऊंगा। तो माता जी की आज्ञा को पालन करे कि मारी माँ बैंधड़े माया ज्यादा बुरो लगे, ये विचार की बात है। एकादशी केके का तो भगवान ने बहुत समझी माए का, सुन जननी सोई सुत भरो, तू बड़ी भागशाली है माँ जो ऐसा बेटा जन्म लिया है। पर दूध को कोई तो क्यों सजा को पीऊंगा, दो दिन ही पीऊ यहां ते भगवान डाल में धरी वसुदेव लेगा कि अरे देवी किन जायो या सौदा न पायो। देवकिन जाया सोदा न पायो, सोदा न पायो न दूध पिलायो। अरे बाबा आनंद घर आनंद हुयो रे, मथुरा में देवकी लाल। अरे मथुरा में देवकी का लाल हुयो रे, लाल हुयो रे गोपाल हुयो रे। हर बातों की रहने अंधेरी, कोठरी में जन्मिया कृष्ण मुरारी। भगवान का जन्म हुआ उस समय चमत्कार दिखाया, अरे बिजली कड़की न प्रकाश हुयो रे, राम देव की कथा। घड़ी खुली गई खुली गया था, खुली गया तारा न कोई गा रखवाला। अरे कंस को जीव को जंजाल हुयो रे, मथुरा में देव की कला।
अरे मथुरा मदेव की कलाल हो रे लाल हो रे गोपाल गोपाल कृष्ण भगवान की। दूध तो यशोदा का पिया, जन्म लिया जन्म क्या है अक्षमात भगवान प्रकट हुए गर्भ से तो हुए नहीं। हाँ अक्षमात जन्म प्रकट हुए कन्हैया, तो देखो वो सबकी सुध लेने वाले हैं भगवान। अपन न अपनी फिकर चलो का संसार की फिकर, उन्हें जो सृष्टि रची नहीं वो चलाउनो जा भी। हाँ पर एक जरूर बात है कि घोर कलयुग बतेरा है, पर अंदाज तो ऐसा देखा है कि अंतिम समय आई रोज, क्योंकि भागवत में पुराणों में लिखा हुआ है 6, 7, 18 पुराण 4 वेद में कि पशु से बेहतर मानव हो जाएगा जब युग परिवर्तन हो जाएगा। तो तुम भी अंदाज काटो पशु से ज्यादा मनुष्य बेहतर हुई वो। हाँ जो पशु में ज्ञान है वो आज मानव में नहीं है। क्यों नहीं है? पशु क्या करता है? पशु जब युवा अवस्था में आए तो नाम ले जोगो, ये सोचा है गाय हो। आज मनुष्य का देखो कितो बेकार हुई गोज की नाबालिग लड़की ने से संभोग हुई रोज, क्योंकि इतनी अकल थे कि नाबालिग छोरी जी। तो पशु से बेहतर मानो हो गया, युग परिवर्तन हो जाएगा, ज्यादा टाइम थोड़ी जाएगा। असली संत लोग जय रहे, अब यहां रहेगा भट्टियान वाला बाबा, लुधा महाराज बेड़िया वाला चली गया मनिया वाला वो भी जाती रहा, गुलाब बाबा भी जाती रहा, संत लोग सब जय रहे कि असली लोग नहीं रहे नहीं, क्योंकि लुधा बाबा के यहां लड़की से संभोग करो खरगुण में है आने फूल के नीचे थैलाम भरी पटकी का छोरी का लुधा बाबा का ठीक मंदिर पास गांव पास। तो बाबा का समाचार मिला कि एक महीना बाद तो समाधि रही थी, कैसे योग में हमको नहीं रहना है। बोलो रामचंद्र भगवान की। बोला बाबा भी जाती है, सब संत लोग जाएगा जाएगा। एक ही भट्टान वाला रहे ना हमारा शरीर का तो आठों मांगने मुक्ताज पड़े। आए हम भी साधु गिनती में थी, नाथ ब्राह्मण और वैराग्य तीन, जोगी जगम सेवड़ा छह और गिरिपुरी ने भारती, ये नौ संप्रदाय। तुम्हारा तुम कह दे कि हम गुजर आए मानी जाए, हमारा मन माना तुम नाथ जी कैसे नाथ जी हो पूछ। नाथ जी की चीज तुम्हारी देह में क्या है? धुनी का मुख कहां है? बिना धागे की चादर कौन सी है? जो मानोगे कि तुम ना तुम्हारा जो हमारा मन मार मार और उल्टा मार पड़ो हर दे चिमटा की भोल है। धोनी का मुख कहां है? बिना धागे की चादर कौन सी है? ना तुम्हारा जो आप बिना धागे की चादर कौन सी? धोनी का मुख कहां है? कितने फूल कितने खुरी 3.5 फूल कहां है बताओ? 3.5 फूल अड्डा एक तो कमंडल अड्डा हो ऐसा 3.5 फूल बताओ तुम नाथ जी हो तो। रुद्राक्ष क्या है? रुद्राक्ष की मंत्र क्या है? ये पहनते हो आप? ये ओम मुखे ब्रह्मा मध्यम कृष्णिंगाकार पत्रे पत्रे महारुद्र देवायम नमो नमः याद है मंत्र? तुमने रुद्राक्ष पहन दिया, हमारा समाज बड़ा अड़ंगो छे भाई ने तो मार संत लोग बड़ा बड़ा मर चिमटा मचकाओ कि नाथ महाराज बहनी ने खाई रहे मांगी मांगी नहीं 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 आसो नहीं। आ
हाल तो पहचानता नहीं कि अपन सतपुड़ा की सरदी माँ माई का नाथ महाराज सतपुड़ो आई बोली ठेठ नाथ जी की उत्पत्ति कहाँ है काठमांडू पशुपतिनाथ वहां उनकी भूमि है गोरखनाथ जी बोला लोग उनको पहचाने आज उनके यहां बैडा में फिर नहीं रखवाले करे वो गोरखा उनकी जाति नहीं है मैंने पूछा प्रोग्राम बजे ना भोपाल गाड़ी से जाओ तो यहां रखवाले करो वो तो बैठी रहा हमारे पास आओ महाराज पहचाना मगर कहां से प्रोग्राम दे के आ रहे हो मैं कातोड़ा से आ रहा हूं कि लौंदी से आ रहा हूं महाराज जी तो उनको पूछे मन क्या तुम गोरखा बोलते हो कि हमारी गोरखा जाति थोड़ी है हम गोरखनाथ जी आ रहे थे वहां के हम रहने वाले इसलिए हमको गोरखा बोलते हैं हमारी जाति थोड़ी गोरखा है हम गोरखनाथ जी पशुपतिनाथ जो नेपाल वहां के हम रहने वाले या छे तोरण मार तपस्या भूमि गोरखनाथ जी खेतिया पान से मल का अगर तोरण मार थे वहां गुरु महाराज की तपस्या करी थी उन्होंने गोरखनाथ जी और गोरखपुर गीता प्रेस गोरखपुर जो पुराण छपज वो उनके वहां की समाधि आश्रम बड़ा बड़ा संत लोग थे वहां गोरखपुर में तुम आज तक कोई गोरखपुर वाला मांगना आया था क्या वहां भंडारो देवाए लाख डेढ़ लाख पब्लिक रोज भोजन करे गोरखपुर में 200-250 बस तो रोज आवे पर वहां ऐसा संत लोग थे कि एक मुट्ठी चावल तो कई लोग जिमी जाए था साधु लोग पड़े गोपाल कृष्ण भगवान जिमने को बैठा घबरेगा भीम दारण को भाई घबराओ मत खाओ खाओ प्रेम से भीम दारण को कि आज देखो तुम भागो मत तो आवाजी मारी है जोर से आवाज मारे तो काम हो तो कहीं तू मुंडा टेकी दिया आन कहेगा भागीगा आज जिम थे वो तो बड़ा कंदरे कंदरे जिम फिर योग आयो तो भागीगा नहीं तो भट्टी तरफ चारक चेजी भट्टी तरफ भूलेगा है भट्टी सिलकती थी वो आवाज मारे गगाने की नहीं थी वो भट्टी तरफ चार छह जन पहुंचेगा उनको आने यहां तो को ढूंढने की जरूरत नहीं सिलके देकर यार लाखड़ा समझी मारे देगा तो आयो समय भगवान से घर भाग गया तो भीम दादा ने कोई कह रहे आज कुटुंब को जिंदो हुई ना आई वो तो मिलने चाहिए कि घर ऐसा कुटुंब आज घर भाग गया है तुमको बड़ी खुशी हुई कि हम मरी गो थे घर भाग गया जाओ बोलन लो वो धर्मराज कहे कि थारा डर कमारे 8-8 दिन नहीं निकला घर से बाहर आनवार कहा क्या हम खुशी जी हाँ जी बच्ची को तो खुशी की पंगत देव नहीं हलवो बना चालवो बना थोड़ा धरी ने गरम गरम बना के जाओ बोले लाओ धर्मराज के वो कहीं आवो नहीं को बुलाओ तो नहीं आओ तो भाग गया भीतर साक्का लगे दफड़ीगा मामा सुकने के मगर दफड़े दे रहे मन जहर दिए मगर बहुत मारा गया बोलिया गया मामा तू कहा दफड़ाओ अरे मामो कही ये कोठी गहू की रीति पड़ी जा एक काम बठार देने ऊपर से पूर लगे छाबन चढ़े थे वो का समझे गए काम मामू बैठे समझे गहू भरे मामा बठाड़ी ने ऊपर छाबन चढ़े थे है आन फिर साकर लगे दपड़ी गया भीम दादा आया कह रहे बांधो खोलो क्या हो जिंदो ही ना आई मगर गवा मिलने तो क्यों भाई आया कि नहीं तुम काका दादी का तुमको इतो नहीं भूत भूत बोला हम जिंदो ही ना गवा मिलने तो हम भाई को मिला घर बाकी है चलो ये खुशी की पंगत दे रहे हो बोला मैं मामा आंसू ले जाए मान मनोरंजन ताबीन मानना हो गया हमका अंदाज बहुत देख रहे मामो के मकमत बोला रो कोठी बटी मकमत बोला रो अरे यार मामा आज बोला ने क्या करे वो लई जाए यार तुम्हारी मर्जी जाओ वो तो तुमको मारे भाई पर मारो नाज मर लीजिए हो भीम न को कि बांधो खोलो कि लात पहुंच बांधना कंसा भरी मैं बांधो मत तोड़ दे चली रहा यार चलो जिमने चलो जिमड़ा चलो तो कलशा भरी ने
हाँ ठीक है आसो करी ले जाए मान नाखा गए आप थोड़ी जिमना दे आधा देखा है आधा देखा है आधा वाला पुरसे नहीं बैठे दीवार पर भीम ने को कह रहे ये बाकी का रुका जाएंगे हम हमरुमान नावले में दीवार पर पुरसे नहीं बैठे ऐसी कहेगा तू ही बाग ते भीम दादा उसे पलटी नहीं कह रहे यहाँ काई कर रहा है अरे दादी काई बताओ आंध्रा हुई गए ना गाँव ते पुरसे नहीं सब फेंकी थी हम काठी जमेरा था अबो चलो जिमने चलो चलो ले हम कर्जा वरिन तैयार थे कर्जा वरिन आएगा फिर भीम दादा गए आ सब जोन चल पे मामून देखा तो काज मामू को मगाओ याद करी लो यार अरे मान ना हो गए बाप रे पोया के देखता जी हमरो मन नाव ले लो ये कोठीम बचेल जी कोठीम मारी मार थकी गया अब कोठी ने नहीं बनती है आज मकई निकले आई तो मकई बाहर पड़ी ते मगे कोठी देव नहीं रहे बोला का हम कहीं नहीं कह रहे यार दाजी ले जानी कहीं की बोल यह उठा जगह माम बटेल तो ये उठा माम बटेल कोठी दे दी माथा धरी ना मामू कहे ओंकार महाराज ले जाए नर्मदाम का जी फेंकी बैठी हो तो आज मरी हूँ मैं यार पंगत में लाया हूँ बड़ा लोगों की पंगत की काई कमी थी वहाँ भोजन छत्तीस है पकवान हलवा पूरी और दाल भात लड्डू है पधार मोती चूर जलेबी है लच्छेदार कलाकंद मटन दासन करूं कि दाव बनी नहीं नहीं अन्न देवा तो जी अपमान नहीं कर लो भगवान जो भी सामने आ गया उसे ग्रहण कर लो आप ज्वारी में जगतपति है कौन गोविंद कौन गोविंद है सहन साहब ऐसा दयाल कने में चतुर भुज मोहन मसूर में अब्दुल में कान है बाजरे में बन बिहारी जोवे जगन्नाथ है विनय में त्रिलोकनाथ मुरत में ओंकार है गुर में गोपाल है सखी में बड़े प्रेम से भोजन करवाया जिमना बठ्यान फिर भीम दादा कढ़ाए हलवा की चार उतारे थे तोड़ा उठे लाया न जिमना बठाड़े इनको अन पिरस के हाँ पिरसू मारा हाथ से भीम दादा हाथ के जरा होती हतनापुर गांव देखियो हतनावर हतनावर फिर वहां से लगे ना लोहराणो खड़गाट भो धर्मपुरी है खतड़गांव वहां हतनावर गांव थे वो हतनावर गांव क्यों धरेल थे वहां भीमसेन को हाथ पड़े इतो बड़ो हाथ पड़ेल थे का दो आदमी सोए रहे लंबा पार करे इतो बड़ो हाथ थे का गांव का नाव कही थे हतनावर अपन लगे इनी बात न बोलो आज पटो लगे क्योंकि अपनी पीली नहीं थी रही थी देखा जे अपन लग बोलो आज पटो लगे यार कहीं सही बात बोलो पर बात तो मैं सही बात हतनावर में हाथ पड़े भीमसेन को धर्मपुरी खो जाओ वहां तो वनवास काटे पंडव ने खड़गाट का अगर धर्मपुरी खो जाओ ये वहां पांच पंडव ने 13 वर्ष वनवास काटे वहां की रचना आज भी कायम है तुम जाइन देखिया हो माकड़ कच्छ ये क्यों नाम धरे भाई
ईश्वर की बड़ी कृपा थी, वहां इन्हें वनवास काटे, परसाना जीवना बढ़िया, तो भीम दादा हाथ के जरा बोझ रहे हलवा में हाथ भर पातल पर जर थे पातल पर जीमणियों आ लाठी मारी जोग गई भाग मामो कह यार तू भागी क्यों आज जा रहे है तो हलवो परसी रोज हूँ क्या मर जाओ मैं यार कहीं खवाज है आज मर जाओ लंबो हो जाओ भाई अरे मामा ये तो बोलो प्रसाद जाए कसो खाऊ यार मामो कहे कसो खाऊ मका कहीं मालूम को बोले बोलाऊ पूछो जो नहीं जो भेजा बताए अरे फिर कसो भी खाओ आसो करो नहीं खवाए त्या तो खाओ ने ती आसो मुंडा में जल गोले खाओ ने पानी पे नहीं आसो गोठ्या करो कसा भी तो खाओ प्रेम से भोजन करवाया पांडवकौरों को पर मौत तो इनकी आखिरी लास्ट में थी कुरुक्षेत्र में बीच में नहीं मरे आए बीच में मर जाता तो महाभारत कैसे तैयार हो इनका आखिरी कुरुक्षेत्र में मारा गया है जिनकी जिनकी प्रतिज्ञा न थी उनका वही दाव हेड़े उन्होंने कि द्रौपदी की प्रतिज्ञा थी कि दुशासन की भुजा उखाड़ूंगा और खून निकाल करके द्रौपदी के बालों को सींचूंगा जब ही द्रौपदी का जूड़ा बंधेगा सब प्रतिज्ञाबद्ध था पर आपने को उन्हीं बात न को बोलो आजकल उठपटांग बात लगे क्योंकि आपने कहे उन्हीं बात न गलत थोड़ी उतरे वास्तव में बलवान था बहुत महाबली लोग था अनमोल शक्ति थी 60,000 अति की ताकत जरा दिया दुर्योधन में 80,000 हाथी ये कहीं मामूली बात ना है सत्यु तीर्था द्वापुर की बात ना है ना आज अपन ने बड़ा आटपटो लगे गोपाल कृष्ण भगवान नर्मदा मैया कथा गांधी जा Thank you.